नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए क्या है, अप्पम की रेसिपी। अप्पम बनाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, खाने में इतने ही टेस्टी लगते हैं। वैसे हमने सर्व किया है मूंगफली की चटनी के साथ, तो इसके साथ हम मूंगफली की चटनी भी आपको बनाना सिखाएंगे। और देखो इतनी टेस्टी बनेंगे खाने में, देखो बहुत अच्छे बने, एकदम सॉफ्ट, एकदम जालीदार हैं। देखो आप बिल्कुल सॉफ्ट बने, आप कैसे भी इन्हें करके देख लो, टूटेंगी भी नहीं। और देखो एकदम जालीदार, पीछे से भी एकदम अच्छे गोल्डन सिके हुए हैं। तो आप इस तरह से जरूर बना के ट्राई करना। और आप मेरी वीडियो चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके लिए ऐसी ही टेस्टी सिंपल रेसिपी लाती रहूंगी। चलो चलते हैं अप्पम बनाने। अप्पम बनाने के लिए मैंने ही एक कटोरी में सूजी ले ली है, भैया आधा कटोरी मैंने लिए दही, तो इसको हम डाल देते हैं मिक्सिंग जार में। तो मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, तो इसमें डाल देती हूँ मैं सूजी। तो सूजी आप कैसी भी ले सकते हो, बारीक मोटी, ये आपकी चॉइस है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि हमें बारीक ही सूजी लेनी है, मोटी लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने सूजी ले ली है। मैं ली है 1 कटोरी दही। तो दही आपके अगर खट्टी है तो आप 1 कटोरी से ज़्यादा भी डाल सकते हो, नॉर्मल तब भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें 1 कटोरी ही दही ली है, ज़्यादा नहीं ली है। सूजी की आधी दही ली है, मतलब सूजी हमारी बड़ी कटोरी में है तो मैंने छोटी कटोरी में दही ली है, तो मतलब सूजी का आधा लेना है हमें। अब ऐड कर देती हूँ जितनी मैंने दही ली है उतना ही इसमें पानी, थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी चीनी आधा चम्मच के करीब, और इसको मैं पीस लेती हूँ अच्छे से, एकदम जब तक ये बिल्कुल बारीक नहीं हो जाता इसका पेस्ट। तो अब देखो हमारा बेटा बन के हो गया तैयार। इस तरह से बनाना है हमें। अब इसको निकाल देते हैं बर्तन में अलग से, तो इसको इसमें निकाल लेते हैं बर्तन में। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब इसे ढक के छोड़ देती हूँ, 10 मिनट से चेक कर लेंगे। तो इसको साइड रख के अब मैं बना लेती हूँ मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमने मूंगफली को रोस्ट करके साफ़ कर लिया है। तो ये हमने 1 कटोरी भर की मूंगफली ले ली है। ये हमने नमक लिया टेस्ट के अनुसार। ये लहसुन की 4 कलियाँ ली हैं। ये सूखी हुई लाल मिर्च ली है 4-5। ये हमने तड़के के लिए राई ली है, ये तड़के के लिए हमने लिया है करी पत्ता। और ये ले लिया मैंने 1 कटोरी में सरसों का ऑयल तड़का लगाने के लिए। और ये लिया हमने पानी चटनी में डालने के लिए। तो सारी सामग्री हो गई हमारी तैयार, तो हम बना लेते हैं चटनी। तो ये मैंने ले लिया मिक्सी का जार। तो जो मैंने मूंगफली रोस्ट करके साफ करके रखी थी उनको ऐड कर देती हूँ इसमें, और इसमें डाल देती हूँ ये लाल वाली मिर्च, इनको तोड़ के ऐड कर देती हूँ। ये 4 लहसुन की कलियाँ ली थी इनको ऐड कर देती हूँ, नमक ऐड कर देती हूँ, और इसमें डालूंगी मैं पानी, और इसे मैं पीस लेती हूँ। तब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं, और फिर से इसे पीस लूँगी। तो अब देखो चटनी हमारी बन के हो गई तैयार। ज़्यादा पतली इसे हमें नहीं करना है, ऐसी होनी चाहिए। तो अभी हो गई, अब इसमें चलते हैं तड़का लगाने। तो इसे अब निकाल देते हैं एक अलग बर्तन में। ये गैस पे मैंने पैन रख दिया तड़का लगाने के लिए। जो मैंने ऑयल लिया था सरसों का उसको ऐड कर देती हूँ इसमें। ऑयल को गर्म होने देते हैं, तो इसमें डाल देती हूँ ड्राई। तो दो डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च फूकी वाली। अब हमारा तैयार फूके, गैस को कर देते हैं बंद और इसको डाल देते हैं चटनी के ऊपर। इससे चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप डोसा के साथ, अप्पम के साथ, उत्पम के संग, आप जिसके साथ भी खाना चाहो खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। तो आप इस तरह से मूंगफली की चटनी बना के जरूर ट्राई करना। तो मेरी चटनी बन के हो गई तैयार। 10 मिनट हो गए, तो हम चेक कर लेते हैं अपने बैटर को। तो इसको चेक चला के चेक कर लेती हूँ। तो देखो एकदम सही रहा है, ज़्यादा पतला नहीं है, गाढ़ा नहीं है, हमें ऐसा ही चाहिए बैटर। तो इसमें ऐड करेंगे हम नमक। तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें नमक, नमक टेस्ट के अनुसार ऐड कर देंगे, और इसको मिला देते हैं। और इसको मिला के फिर करेंगे हम इनको ऐड। तो इसमें मैं आधा चम्मच इनो ऐड कर देती हूँ। इनो ऐड करके इसे हम अच्छे से मिला देते हैं, और इसे एक ही साइड मिलाना है, और अच्छे से हम इसको
मिलाना है पहले। देखो इसमें अब आ गए ना ऐसे झाग झाग सी, इन से ही और अच्छा हो जाएगा बैटर हमारा। वैसे ऐसा मत करना कि दोनों साइड मिला दो, वैसे आराम से मिलाना है, स्पीड में बिल्कुल नहीं मिलाना है। तो बैटर हमारा हो गया बनके तैयार, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, अब मैं इसे बना लेती हूँ। तो इसे ज़्यादा नहीं फैलाना है, बस हल्का सा इस तरह से करके वैसे पकने देना है। इस तरह से बबल्स पड़ रहे हैं ना, तो ये मतलब हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। ऐसा ही हमें बैटर चाहिए, और जब तक ये ऊपर से बिल्कुल स्किन इसकी ड्राई नहीं हो जाती तब तक इसे हमें पकाना है। तो ये एक ही साइड से पकाया जाएगा, हमें पलट के बिल्कुल नहीं पकाना। तो ऊपर की स्किन हमें बिल्कुल ड्राई कर लेनी है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना चाहिए, ना लो ना हाई। देखो तो कितने सारे बबल्स पड़ रहा है, मतलब बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। देखो ऊपर की स्किन हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और इसमें ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। तो वैसे हम पलट चेक कर लेते हैं नीचे से, हमारा नीचे से कैसा कलर आया। तो हमारा बस एक हो गया तैयार, इसको हम निकाल देते हैं इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से इसे कैसा इस तरह से इसका कलर आना चाहिए पीछे से। तो इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं, एक और आपको बना के दिखाते हैं। तो बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, वो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। बस इसका बैटर एकदम परफेक्ट बना होना चाहिए, जब तक इस तो ऊपर से बबल्स नहीं आएंगे तब तक मतलब बैटर हमारा अच्छा नहीं बना। अगर आपके उस पर बैटर पर बबल्स आ गए पक पे, मतलब आपका तुम बहुत अच्छा बना है, आपका बैटर बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, तो तुम आप एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होंगे। और नीचे से एकदम इसे कलर गोल्डन रंग तक सेकना है, वैसे मीडियम फ्लेम पर सेकना है हमें। जब तक ड्राई नहीं है तब तक से ना इसकी यही पहचान है कि ये ऊपर से ड्राई हो गया तो मतलब सिक गया। देखो तो इस तरह से आपको दिख रहा है ना कि इधर से ऐसे ड्राई हो गया और ये कच्चा है, तो इस तरह से पूरा एकदम ऐसा ही हो जाएगा ड्राई, तो मतलब इसकी पहचान हो गई कि सिक के तैयार हो गया हमारा। तो हमारा ये भी सिक है, इसको भी निकाल देते हैं, और इस तरह से हम सारे सिक के तैयार कर लेंगे। तो हमारे अपम बन के हो गए तैयार, हमने कर दिया प्लेटिंग। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम जालीदार बन के तैयार हुए हैं, आप देख सकते हो एकदम जालीदार बन के तैयार हुए हैं। देखने में भी देखो पीछे से भी इस तरह एकदम अच्छे सिके हुए हैं, ऐसा नहीं कच्चे छोड़े हुए, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत सॉफ्ट है ये। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके लिए सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के बाय बाय।